हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजी ज्ञान क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग लगभग 10,000 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का पश्चिमी बिंदु, पिग्मेलियन पॉइंट, किविथु, गौरमाथा या फिर पार्सेल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है गौरमाथा। इसको हम लोग गुहार मोती बोलते हैं, गुहार मोती। अब जान लेते हैं इसके बाकी ऑप्शंस के बारे में। पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सेन क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सेन, ये दोनों को हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से इन दोनों को जानते हैं। और किबिथु, किबिथु क्या है? ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया वेस्ट ईस्ट। तो ईस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है हमारे इंडिया का, वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, और वो कौन सा है? किबिथु ही है, ठीक है। और गौर, अगर गुहार मोती कोई पूछे तो गुहार मोती कहाँ है, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट और वेस्ट में सबसे कौन सा स्टेट पड़ता है, वो है गुजरात। तो गुहार मोती कहाँ है? गुजरात में है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डेज शुड द मनी बिल बी गिवन टू द लोकसभा बाय द राज्यसभा? राज्यसभा को धन बिल कितने दिनों के लिए दिया जाना चाहिए? 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन या 14 दिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14 days। अब जान लेते हैं कि जो मनी बिल है, मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है? एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के एग्जाम में पॉलिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पोर्शन है, तो पॉलिटी भी आपको पढ़ना है। तो आर्टिकल क्या है? 110, मनी बिल का आर्टिकल 110। अब आ जाते हैं, Which vitamin is rich in fish liver oil? मछली के जिगर के तेल में कौन सा विटामिन भरपूर होता है? विटामिन B1, B2, विटामिन D या विटामिन C? तो पहले जान लेते हैं विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन। थायमीन बोलते हैं हम लोग इसको, विटामिन B1 को। B2 को क्या हम लोग बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्सिफेरॉल, क्लोरो कैल्सिफेरॉल, और एक होता है अर्गो कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल बोल दिए इसको। और विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन डी। मछली के जिगर में कौन सा तेल पाया जाता है? विटामिन डी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इन विच ईयर गदर पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नवंबर 1913, दिसंबर 1912, जनवरी 1910 या फिर मई 1911। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नवंबर 1913। अब जान लेते हैं कि इसकी स्थापना किन्होंने की थी। लाला हरदयाल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है लाला हरदयाल। लेकिन इसमें से मैं आपको एक अनकॉमन सा चीज बताने वाली हूँ। गदर पार्टी का एक और नाम क्या है? गदर पार्टी का एक और नाम जो है वो है पैसिफिक कोस्ट, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। गदर पार्टी का एक और नाम क्या है? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो लाला हरदयाल जी ने तो इसकी स्थापना की थी, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये भी इसके एक फाउंडर्स में से ही एक थे, लेकिन ये प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे उस वक्त के मोहन सिंह भाखना, मोहन सिंह भाखना, याद रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When was NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप फाउंड? NSG परमाणु आपूर्ति करता समूह कब, इसका गठन कब हुआ था? 1971, 1972, 1975 या 1974? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1974। अब जान लेते हैं थोड़ा सा NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है क्या? ये एक बहुत सारे देशों का एक समूह है जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाली बनने में जो भी उपकरण लगते हैं, जो भी सामग्रियां लगती हैं, इसका वो लोग नियंत्रण करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर अगर वेपन्स बन रहे हैं तो इसकी इसको वो लोग कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन कब हुआ था? 1974। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री? भूमि सीमा के बिना एकमात्र सागर कौन सा है? अरेबियन सी है, साउथ चाइना सी है, सरगासो सी है या फिर मेडिटेरियन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरगासो सी। आप लोग याद रखिएगा, सरगासो सी भूमि सीमा के बिना एकमात्र सागर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन फर्स्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन, भारतीय प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी इनमें से कौन सी है?
आईएनएस खंडेरी, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस एरावत या फिर आईएनएस कलावती। तो इसका करेक्ट आंसर तो वैसे आईएनएस अरिहंत है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आईएनएस खंडेरी के बारे में जान लेते हैं। आईएनएस खंडेरी में क्या है, हमारे इंडियन नेवी की ही एक सबमरीन है, हमारे इंडियन नेवी की ही एक सबमरीन है। और इसका निर्माण हुआ कहाँ था, मझगांव डॉकयार्ड में हुआ था, मझगांव। अब मझगांव डॉकयार्ड है कहाँ, मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रही हूँ, गुजरात में है या फिर महाराष्ट्र में है। आप लोग को अगर पता है और तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि मझगांव डॉकयार्ड है कहाँ, गुजरात में या महाराष्ट्र में। आ जाते हैं आगे, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, वैश्विक पर्यावरण सुविधा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए, वियना ऑस्ट्रिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड या फिर मनीला फिलीपींस। तो मनीला फिलीपींस में तो एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ही हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। वियना में क्या है, ओपेक का हेडक्वार्टर है। और जिनेवा, जिनेवा में क्या है, जिनेवा में तो बहुत सारे क्या हेडक्वार्टर है, लेकिन मैं आपको एक बता देती हूँ अभी, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो बचता है क्या, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चंस पे। महापद्मनंद ऑफ नंदा डायनेस्टी इज आल्सो कॉल्ड, नंद वंश के जो महापद्मनंद थे उनका एक और नाम क्या था, विक्रांत था, इकड़त था, देवव्रत था या फिर महेंद्र वर्मन था। तो उनका एक एक नाम तो ऐसे इकड़त था, लेकिन एक और नाम पूछा जाता है एग्जाम में जो क्या है, सर्व क्षत्रिय अंका, सर्व क्षत्रिय अंका उनका एक और नाम था। ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हुआ शोन ऑन कॉइंस लाइक लेइंग वीणा, गुप्त वंश का एक शासक जिसने जिसे वीणा बजाने पर बजाते हुए सिक्के पर देखा गया था, वो कौन थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त वन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे या फिर विक्रमादित्य थे। तो किनको देखा गया था, किनकी तस्वीर छिपी हुई थी सिक्के पे, वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया था। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, चंद्रगुप्त वन कौन थे, ये प्रथम शासक थे गुप्त डायनेस्टी के, गुप्त वंश के। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, ये समुद्रगुप्त के ही बेटे थे और इन्हीं के गए दरबार में नवरत्न, नवरत्न भी कहे जाते थे। और फाहियान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाहियान किनके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में आया था। तो ये थे आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और